चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सभी दलों ने तैयारी तेज कर दी है। वहीं चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों एक्शन मोड में है। पाटन विधानसभा सीट से बीजेपी ने विजय बघेल को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं इसी सीट से सीएम भूपेश कांग्रेस प्रत्याशी हैं और दोनों चाचा और भतीजे के बीच यहां कांटे का मुकाबला होगा। वहीं स्वराज एक्सप्रेस से बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल की खास बातचीत, आइए आपको सुनवा दें क्या कुछ कह रहे हैं। और मतदान की तिथि भी आ गई, दो चरणों में चुनाव होने हैं। आज हमारे स्वराज के इस खास कार्यक्रम प्रत्याशियों से मिलने में आज हमारे साथ मौजूद हैं पाटन विधानसभा क्षेत्र से विजय बघेल जी। जी विजय, आप बताएंगे क्या इस बार जो चुनाव की तिथि आ गई है किस प्रकार की रणनीति रहेगी चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव में रणनीति कोई खास रहती नहीं है, वर्तमान परिस्थिति में चुनाव लड़ते हैं और हमेशा एक नया स्वरूप रहता है चुनाव का। कल कुछ और था, आज कुछ और है। और वर्तमान में जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग के साथ धोखा किया और जिस मुखिया के कारण ये सब हुआ, शराब बह रही है, शराब की नदी बह रही है, ये मेरे पास वीडियो है, ये बड़े बड़ी बात किए थे, बिजली हाफ, कर्जा माफ और दारू साफ, पूरे छत्तीसगढ़ में दूध और दही की नदियां बहाएंगे, आज शराब की नदियां बह रही है, सट्टा जुआ हो रहा है, अभी 200 पेटी शराब पकड़ाया है। इतने इशू हैं कि चुनाव हम लोग बहुत सहजता और सरलता से प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। ये समय फिर चौथी बार आप और भूपेश बघेल जी आमने सामने हो, फिर से लड़ाई एक बार होगी? बार बार होती, अभी तो सीएम से खास चुनाव है, मैं सांसद हूँ, वो मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से ये लड़ाई पूरे देश में एक मॉडल बनेगा और पूरी नज़र है, देश की भी नज़र है। आप जैसे नेशनल चैलेंज के लोग अभी इसको पूरी तरह ज़मीन पे उतार रहे हैं, लोगों के सामने जा के इसका आकलन कर रहे हैं और आपके ही आकलन बताते हैं कि आज कांग्रेस की क्या स्थिति है। लेकिन भूपेश बघेल जी का शुरू से ही कह रहा है कि 7 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने भाजपा कुछ नहीं किया है। अगर 61.5 लाख मीट्रिक टन चावल नहीं खरीदती ना केंद्र सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, तो ये धरे के धरे रह जाते। मैं 2019 का वाकया इनको याद दिलाना चाहता हूँ, जब 24 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का पत्र जब आया यहाँ पे, हड़बड़ा गए थे। 85 लाख मीट्रिक टन चावल धान खरीदे थे उस समय, क्या करेंगे कैसा करेंगे। और आपको याद है, आप ही लोग दिखा रहे थे कि संग्रहण केंद्र में धान सड़ रहे थे, क्योंकि क्योंकि सबसे बड़ा ग्राहक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है चावल का, वो धान की खपत सबसे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से होती है। और वो अगर रुक जाए तो हम क्या, कोई भी सरकार आ जाए हम धान खरीदेंगे तो हमको घाटा सहना पड़ेगा। उस 1300-1400 क्विंटल में धान की नीलामी की है, याद है आपको, और सड़े गले उसमें 5000 करोड़ से ऊपर घाटा हुआ सरकार का। आज बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और इसके लिए कम से कम माननीय मोदी जी को धन्यवाद तो दो, क्योंकि उस समय तो आप उनका अपमान कर रहे थे बहुत, और हम लोग को बोल रहे थे सांसद भी कुछ नहीं कर रहे हैं, किसानों के हित में काम नहीं कर रही है, देखो हमको चावल का हमारा कोटा नहीं बढ़ा रहा है। अभी जब कोटा बढ़ा तो 61.5 लाख मीट्रिक टन चावल नहीं दे पाए अभी तक, और तारीख दर तारीख बढ़वा रहे हैं। अभी मुश्किल से हो सकता है, मेरे ख्याल से आज की तारीख तक 57-58 लाख मीट्रिक टन चावल ये लोग दे पाए होंगे। जी, आप हमेशा शुरू से पाटन से ही विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा मन की बात कहते हैं, लोग जनता उनको सुनती भी थी, इस बार ऐसा लगता है कि मोदी जी आपके मन की बात सुन लिए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो सब संयोग है। और जिसके मेरा कर्म क्षेत्र है, मेरी जन्मभूमि भी है पाटन है, तो मेरा तो 35 साल से वहाँ से संबंध है। एक जो बहुत सारी दृष्टिकोण से सर्वे होता है और कुछ मापदंडों के आधार पर प्रत्याशी चयन होता है, शायद मैं उसमें पाटन के लिए खरा उतरा होऊंगा, इसलिए मिला है। बाकी कोई भी प्रत्याशी हमारा होता भारतीय जनता पार्टी का, इस बार हम हराते। इस बार जन घोषणा पत्र में क्या क्या, क्या इस बार आप चेयरमैन हैं, पिछले चुनाव में भूपेश बघेल जी थे, उन्होंने किसानों को लेकर के कर्जा माफी और बिजली बिल हाफ को लेकर के बहुत सारी ऐसी योजनाएं निकाली जिसकी वजह से सरकार बनी थी, इस बार क्या है? आएगा, अच्छा घोषणा पत्र आएगा, इंतजार करिए, थोड़ा सब्र रखिए, आपके माध्यम से जनता तक इसको हम भेजेंगे।
जैसा कि विजय बघेल जी का कहना है कि इस बार बहुत ही अच्छा घोषणा पत्र आएगा, जनता के लिए ही घोषणा पत्र रहेगा, इंतजार कीजिए। स्वराज एक्सप्रेस क्लासेस।